वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज FM KBC ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो KBC ग्लोबल स्टॉक की बात की जाए तो 3.35 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। KBC ग्लोबल स्टॉक 15 पैसे की गिरावट देखने को मिले, 4.29% की गिरावट देखने को मिले KBC ग्लोबल के अंदर। देख सकते कि स्टॉक के अंदर आज यहाँ पे फिर से मीन्स यहाँ पे कई दिन यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए तेज़ी देखने को मिली, तो फिर से लोअर सर्किट लगना चालू हो चुका है। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि आज के मोमेंटम की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे ओपन हुआ स्टॉक यहाँ पे लोअर सर्किट पे ओपन हुआ था और लोअर सर्किट पे लॉक हो चुका है। मार्केट कैप 206 करोड़ के, फिर से 200 करोड़ के नीचे जा सकती है, ऐसी मूवमेंट रही थी ये। तो बिक्स यहाँ पे देखा जाए तो पी रेशियो 22 का है। लास्ट फ्राइडेज की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते तेज़ी के बाद फिर से गिरावट देखने को मिले। तो आज के दिन का जो ऑलिम है उसके ऊपर नज़र डालेंगे, तो ऑल्यूम के ऊपर नज़र डाली जाए KBC ग्लोबल की। टोटल जो ट्रेडेड ऑल्यूम है KBC का आज के दिन का यहाँ पे देखा जाए तो 38 लाख का ऑल्यूम है। ऑल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू 127 लाख की है। बाइंग के लिए एक भी क्वांटिटी नहीं है, पर सेलिंग के लिए अभी भी 65 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। सेलिंग का प्रेशर है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी भी देखी जाए तो 37 लाख में से तकरीबन यहाँ पे 26 लाख यहाँ पे क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिला के 70% क्वांटिटी नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे, तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते कि रिसेंटली स्टॉक में यहाँ पे कल भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिले हैं। कल ओपन होते ही यहाँ पे अपर सर्किट लगा था, फिर गिरावट हो चुकी थी, पर उसी गिरावट को आज भी कंटिन्यूस देखने को मिला है। फिर से यहाँ पे जो सपोर्टिव लेवल है 3.25 3.20 उनको ब्रेक करता है तो फिर से नीचे यहाँ पे देख सकते 3 लेवल के नीचे जा सकता है स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट KBC ग्लोबल के लिए।